हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ में बात करने वाला हूं गुडविल के कुछ एमसीक्यूज़ की। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारी गुडविल की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने क्लास वन में बात की थी गुडविल के नेचर और इसके वैल्यूएशन मेथड की। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के पहले इसकी क्लास वन देख सकते हैं। तो उसके बाद में आपको ये एमसीक्यूज़ की क्लास जो है वो थोड़ी अच्छे से समझ आ पाएगी। तो चलिए हम जरा आज की क्लास में कुछ एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यू है वो है गुडविल इज डिफाइंड एज। तो गुडविल को हम डिफाइन करते हैं कैसे? फर्स्ट ऑप्शन है इंटेंजिबल असेट्स, बी है फिक्टिटियस असेट्स, सी है करंट असेट्स एंड डी है लिक्विड असेट्स। तो देखिए, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि गुडविल क्या होता है, तो उसमें हमने जाना था कि गुडविल जो होती है वो एक इंटेंजिबल असेट्स होती है जिसको ना आप छू सकते हैं और ना ही आप देख सकते हैं। बिजनेस की रेपुटेशन होती है जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में माप चुके हैं, राइट? तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है तो वो हमारा है ऑप्शन ए, राइट? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के काफ़ी सारे मेथड देखे थे, मेनली पांच, है ना? तो उसमें से हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से मेथड जो हैं गुडविल की वैल्यूएशन के हैं, राइट? तो चलिए ज़रा पढ़ते हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो ये हमने देखा था ये होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये भी है गुडविल वैल्यूएशन का मेथड एक। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो ये भी हमने देखा था कैपिटलाइजेशन में, ये फर्स्ट वाला मेथड जो था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वहाँ पर था। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट? तो इसके बाद में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री पर। तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है एक्सेस अमाउंट दैट फर्म गेट ओवर द अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस इज। तो देखिए, अगर कोई फर्म जो है अपने बिजनेस को बेचती है और उसको अपनी टोटल असेट्स की जो उसकी मार्केट वैल्यू है उससे अगर कुछ एक्सेस अमाउंट मिल जाता, कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाता है, तो वो किस बात का मिला? देखिए, प्रॉफिट तो है नहीं क्योंकि बिजनेस करके नहीं कमाया, राइट? प्रॉफिट नहीं है। वो रिज़र्व वो होता है जो हमने बचा के रखा हो, तो वो रिज़र्व भी नहीं है। और सुपर प्रॉफिट मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम एवरेज प्रॉफिट से कुछ प्रॉफिट ऊपर कमा लें तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है, यानी कि सुपर प्रॉफिट भी नहीं है। तो देखिए, बचा क्या? गुडविल। और देखिए, गुडविल ही करेक्ट आंसर है। देखिए, आपकी जो असेट्स हैं वो अपनी वैल्यू से ज़्यादा बिक रही हैं। ऐसा कब हो पाएगा? जब आपकी मार्केट के अंदर अच्छी वैल्यू होगी, अच्छी रेपुटेशन होगी, और उस रेपुटेशन को जब हम मॉनेटरी टर्म्स में मापते हैं तो वही गुडविल बन जाता है, राइट? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि गुडविल। चलिए अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट में जो गुडविल है वो किस बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड मल्टीप्लाई विद एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट की बात हो रही है तो एवरेज प्रॉफिट की तो बात होगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। सेकेंड है नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड विद सुपर प्रॉफिट। तो देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है आपका वो सही है, क्योंकि हम नंबर ऑफ ईयर परचेज को सुपर प्रॉफिट से जब इंटू कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो गुडविल का अमाउंट है वो कितना है, राइट? तो नेक्स्ट टू आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि हमें अब रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। तो देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमसे पूछ रहा है। तो आइए ज़रा देख ले रहे हैं। तो ऑप्शन ए में देखें, कहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड विद एवरेज प्रॉफिट। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारा जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट से। नहीं, ऐसा हम कब करते हैं? जब एवरेज प्रॉफिट से हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी होती, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से, राइट? सेकंड है नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, तो ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम करते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड हम पढ़ते हैं, कहता है सिमुलेशन ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट। तो ऐसा तो हमने कहीं कुछ अभी पढ़ा ही नहीं था गुडविल के चैप्टर में, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट वन देखें,
सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसको आप जरा कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा है वो रिटर्न लिखा हुआ है, तो ये वाली जो बात है हमारी ठीक है, क्योंकि हम क्या करते थे वहाँ पे, याद कीजिए, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय एनआरआर कर देते थे, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कहता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म ₹16 लाख। देखिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया गया है कि 16 लाख जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, देखिए रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की वो बात आपको बता रहा है, जो कि कितना है 10% है। और आपको बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपको ये दे रखा है ना, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका एवरेज प्रॉफिट है, राइट, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। तो आगे बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड इज, तो वो हमसे कह रहा है कि अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करें तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी। तो आइए जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करें, कैपिटलाइजेशन से पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्या कैसे निकालना होता है, कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड की इनटू कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि 16 लाख का जब आप 10% निकालेंगे तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे 16 लाख का 10%, तो 1,60,000 आ जाएगा, राइट। अब आगे बात करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2,40,000। तो देखिए 2,40,000 में से जब आप घटा देंगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से आप घटा देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो उससे हमें सुपर प्रॉफिट पता चलेगा। तो इस तरीके से सुपर प्रॉफिट जो हमारा हो जाएगा लगभग 80,000 हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, देखिए जो गुडविल होती है लास्ट में, आपको याद होगा हम सुपर प्रॉफिट से जब गुडविल निकालते हैं तो गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट जो कि हमारा आया 80,000, राइट, और उसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से, और डिवाइड कर देते हैं एनआरआर यानी कि 10 से। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो हमारी गुडविल हो जाएगी वो 8 लाख हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, देखिए पिछले 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, राइट। तो उसके बाद में कहता है जो कि हैं ₹42,000, ₹39,000 and ₹45,000। कहता है फाइंड आउट द गुडविल ऑफ 2 ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल कितना बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है 2 ईयर परचेज गुडविल है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, 42,000, 39,000 और 45,000 को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो देखिए जब आप इतना करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आपका इस क्वेश्चन में जो आएगा वो आएगा लगभग ₹42,000, राइट, वो आ जाएगा ₹42,000, राइट। अब देखिए 42,000 तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट है हमारा गुडविल जो हमसे पूछा है, तो गुडविल क्या हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे देखिए गुडविल के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो 2 ईयर परचेज है। तो 42,000 को जब आप 2 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 84,000, राइट, 84,000। तो इस तरीके से 84,000 आपकी गुडविल हो जाएगी। तो देखिए आपका ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब जरा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो क्या होगा, इसमें हमें कहता है अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,10,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, असेट्स ऑफ द फर्म आर ₹11 लाख एंड लाइबिलिटीज ₹1 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी होगी। तो हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज फर्म मिल जाएगी ₹11 लाख, राइट। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी हमने पढ़ा था कि अगर हम टोटल असेट्स में से
टोटल लाइबिलिटी को घटा दें तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाता है, राइट। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरीके से जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 11 लाख माइनस 1 लाख तो वो हो जाएगा 10 लाख रुपए, और जो गुडविल की वैल्यू उसमें निकलती है तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो अब जब आपने पहले निकाला था 11 लाख वैल्यू फर्म की, तो उसमें से जब आप 10 लाख को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपये, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म इज रुपीज 5 लाख, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 60,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलरली टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सुपर प्रॉफिट उसने हमसे पूछा है। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR करके आप क्या निकाल लें, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें। तो देखिए 5 लाख का 10% आप निकालेंगे तो लगभग 50,000 रुपये बैठता है, तो 50,000 रुपये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, राइट। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है 60,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, हमारे 60,000 प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 50,000 रुपये को घटा दें तो हमें हमारा आंसर यानी कि सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि होगा 10,000 रुपये। तो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर आप देखते हैं तो थोड़ा लेंथी है लेकिन पढ़ते हैं चलिए इसको। कहता अ फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। देखिए हमारा एवरेज प्रॉफिट है जो 2 लाख रुपये दिया है हमें क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बोलता है 10%, यानी कि आपका NRR हो गया। द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस वर 22 लाख एंड 5 लाख। तो देखिए इससे आप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, राइट। कहता कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हमें क्या करनी है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 22 लाख में से 5 लाख घटा करके यानी कि 17 लाख रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मालूम हो जाएगा। अब देखिए 17 लाख का जब आप 10% निकालेंगे तो वो बैठेगा लगभग 1,70,000 रुपये के समथिंग, तो 1,70,000 रुपये आपका नॉर्मल रेट से प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपये दिया है, और अगर आप यहाँ पे देखें नॉर्मल प्रॉफिट तो वो हमने निकाला 1,70,000 रुपये, तो इस हिसाब से हमारा जो सुपर प्रॉफिट हुआ वो हो गया 30,000 रुपीज़, राइट। तो 30,000 रुपये का जब आप कैपिटलाइजेशन करेंगे तो उसको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल जब कैपिटलाइज करके निकालेंगे तो वो क्या होगा, 30,000 गुणा में 100/10 यानी कि NRR आपका। तो उस तरह से आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो 3 लाख रुपये आएगी, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, और आई होप आपके सारे जो MCQs क्वेश्चंस थे समझ आए होंगे, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।